टेंडर घोटाले में राजेंद्र कुमार समेत सात आरोपियों की आज दिल्ली की कोर्ट में होगी पेशी। केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव 50 करोड़ के टेंडर घोटाले में हैं आरोपी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा करने वाले दिल्ली के सीएम की खुली पोल। शीला दीक्षित पर 2 साल तक नहीं दर्ज कराई कोई एफआईआर, आरटीआई में हुआ खुलासा। आतंकी बुरहान की मौत पर कश्मीर में कोहराम, अब तक 21 लोगों की गई जान, एक जवान भी शहीद। 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी, अमरनाथ यात्रा लगातार 3रे दिन भी रुकी। पानी का टापू बना आधा हिंदुस्तान, यूपी से असम तक बर्बादी की बाढ़, मध्य प्रदेश में हालात नाजुक, बाढ़ से अब तक 22 की मौत। यूपी के संभल में सड़क हादसे के बाद नाराज लोगों का थाने पर हंगामा, ग्रामीणों ने किया पथराव, थाने की जीप से टकराई हुई थी, बाइक सवार शख्स की मौत। मिशन अफ्रीका के आखिरी पड़ाव पर प्रधानमंत्री मोदी, केन्या में हुआ शानदार स्वागत, केन्या के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात, नैरोबी यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज 2रा दिन, प्रांत प्रचारक वर्ग की औपचारिक बैठक की आज से शुरुआत, संघ की नीतियों और विधानसभा चुनावों पर चर्चा संभव। यूपी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारियां, आज सूबे में लगाए जाएंगे 5 करोड़ पौधे, सीएम अखिलेश यादव कन्नौज से करेंगे शुरुआत।